फर्स्ट क्वेश्चन पूछा है, वेयर वाज वास्को डिगामा द ट्रेवलर, यानी कि वास्को डिगामा कहां का यात्री था, आप लोगों को इसका राइट आंसर बताना है। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, जल्दी से इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइएगा। तो वास्को डिगामा जो रहने वाला था वो पुर्तगाल का रहने वाला था, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो मेरे साथी लोग ऑप्शन नंबर बी बताए हैं उनका एकदम राइट है। देखिए अगर आपसे क्वेश्चन इस तरीका से पूछ दिया जाता है कि पुर्तगाल की राजधानी कहां है, तो पुर्तगाल की जो राजधानी होता है वो लिस्बन में होता है, इसको ध्यान में रखिएगा। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि पुर्तगाल की मुद्रा क्या है, तो पुर्तगाल की जो मुद्रा होता है वो यूरो होता है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों से इस तरीका से भी पूछ दिया जाता है कि गोवा ने पुर्तगालियों को कब आजाद करवाया, तो गोवा ने पुर्तगालियों को 1961 ईस्वी में आजाद करवाया, इसको भी ध्यान में रखिएगा। अभी भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बढ़ रहे हैं मेरे दोस्त। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि वास्को डिगामा जो था वो भारत कब आया था, तो वास्को डिगामा जब भारत आया था वो 1498 ईस्वी में आया था, इसको भी ध्यान में रखिएगा। एक क्वेश्चन और भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन रहा है कि वास्को डिगामा भारत आया था तो वो कहां पर उतरा था, तो वास्को डिगामा जब भारत आया था वो कालीकट, कहां पर, कालीकट के बंदरगाह पर उतरा था। आप लोग कमेंट करके बताना है कि कालीकट बंदरगाह कहां पर स्थित है, इसका राइट आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। तो बढ़ेंगे दो नंबर क्वेश्चन की ओर। दो नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है, व्हिच इज द एंशिएंट वेदास ऑफ इंडिया, यानी कि भारत का प्राचीन वेद कौन सा है, आप लोगों को बताना है। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, जल्दी से इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइएगा। तो भारत का सबसे प्राचीन यानी कि पुराना वेद जो है वो ऋग्वेद है, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो मेरे साथी लोग ऑप्शन नंबर ए बताए हैं उनका एकदम राइट है। अगर आपसे क्वेश्चन इस तरीका से पूछ लिया जाता है कि गायत्री मंत्र कौन मंत्र, गायत्री मंत्र जो है वो किस वेद से लिया गया है, तो गायत्री मंत्र जो लिया गया है वो ऋग्वेद से लिया गया है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। अगर आपसे क्वेश्चन इस तरीका से पूछ लिया जाता है कि संगीत का जनक किस वेद को कहा जाता है, तो संगीत का जनक जो कहा जाता है वो सामवेद को कहा जाता है। अगर आपसे क्वेश्चन इस तरीका से पूछ लिया जाता है कि तंत्र मंत्र क्या, तंत्र मंत्र और जादू टोना का संबंध किस वेद से है, तो तंत्र मंत्र और जादू टोना का जो संबंध होता है वो अथर्ववेद से होता है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। अगर आपसे क्वेश्चन इस तरीका से पूछ लिया जाता है कि गढ़ और पद वाला वेद कौन है, तो गढ़ और पद वाला जो वेद होता है वो यजुर्वेद होता है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। तो बढ़ेंगे तीन नंबर क्वेश्चन की ओर। तीन नंबर क्वेश्चन पूछा है, वेयर इज जहांगीर टॉम्ब लोकेटेड, यानी कि जहांगीर का मकबरा कहां पर स्थित होता है, आप लोगों को इसका राइट आंसर बताना है। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, तो जल्दी से इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइएगा। तो जहांगीर का मकबरा जो स्थित होता है वो लाहौर में होता है, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो मेरे साथी लोग ऑप्शन नंबर डी बताए हैं उनका एकदम राइट है। अगर आपसे क्वेश्चन इस तरीका से पूछ लिया जाता है कि अकबर का मकबरा कहां पर है, अकबर का मकबरा कहां पर स्थित है, तो अकबर का मकबरा जो स्थित होता है वो सिकंदरा में होता है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि हुमायूं का मकबरा कहां पर स्थित होता है, तो हुमायूं का मकबरा जो स्थित होता है वो दिल्ली में होता है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। तो बढ़ेंगे चार नंबर क्वेश्चन की ओर। चार नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है, इन विच स्टेट आर द उकाई प्रोजेक्ट लोकेटेड, यानी कि उकाई परियोजना किस राज्य में स्थित होता है, आप लोगों को इसका राइट आंसर बताना है। तो उकाई परियोजना जो स्थित होता है वो गुजरात राज्य में होता है, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि गुजरात की राजधानी कहां है, तो गुजरात की राजधानी जो होता है वो गांधीनगर में होता है, इसको ध्यान में रखिएगा। अगर आपसे क्वेश्चन इस तरीका से पूछ लिया जाएगा कि सबसे लंबी तटीय सीमा रेखा बनाने वाला राज्य कौन है, तो सबसे लंबी तटीय सीमा रेखा बनाने वाला जो राज्य होता है वो गुजरात होता है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। अगर आपसे क्वेश्चन इस तरीका से पूछ लिया जाता है कि इडुकी परियोजना किस राज्य में है, तो इडुकी परियोजना जो होता है वो केरला में है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि राणा प्रताप सागर कौन सा, राणा प्रताप परियोजना किस राज्य में है, तो राणा प्रताप परियोजना जो स्थित होता है वो राजस्थान में होता है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। तो बढ़ेंगे पांच नंबर क्वेश्चन की ओर। पांच नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है, वेयर इज द कैपिटल ऑफ इंडोनेशिया, यानी कि इंडोनेशिया की राजधानी कहां है, आप लोगों को बताना है। तो इंडोनेशिया की राजधानी जो होता है वो जकार्ता होता है, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा। अगर आपसे क्वेश्चन इस तरीका से पूछ लिया जाता है कि फ्रांस की राजधानी कहां पर होता है, तो फ्रांस की राजधानी जो होता है वो पेरिस में होता है, और जापान की राजधानी जो होता है टोक्यो में होता है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। अगर आपसे क्वेश्चन इस तरीका से पूछ लिया जाता है कि जापान की मुद्रा क्या है, तो जापान का मुद्रा जो होता है वो येन होता है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। तो बढ़ेंगे छह नंबर क्वेश्चन की ओर। छह नंबर क्वेश्चन पूछा है, व्हिच इज द मोस्ट पॉपुलस स्टेट इन इंडिया, यानी कि भारत में सर्वाधिक आबादी वाला राज्य कौन है, आप लोगों को इसका राइट आंसर बताना है। तो भारत में सर्वाधिक आबादी वाला राज्य होता है वो उत्तर प्रदेश होता है, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा। अगर आपसे पूछ लिया जाता है कि भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन है, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य होता है वो राजस्थान होता है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। तो बढ़ेंगे सात नंबर क्वेश्चन की ओर। सात नंबर क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है, हु
डिस्कवरी ऑफ इंडिया, यानी कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसने लिखा था आप लोगों को बताना है। तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया जो लिखा गया था वो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखा गया था, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा। अगर आपसे क्वेश्चन इस तरीका से पूछ लिया जाता है कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे, तो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जो थे वो जवाहरलाल नेहरू थे, इसको ध्यान में रखिएगा। अगर आपसे क्वेश्चन इस तरीका से पूछ लिया जाता है कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति जो थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अगर आपसे पूछ लिया जाता है कि भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे, तो भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति जो थे वो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे, इसको भी ध्यान में रखिएगा। तो बढ़ेंगे 8 नंबर क्वेश्चन की ओर। 8 नंबर क्वेश्चन भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है, व्हाट इज अ फ्लाइंग फेरी कॉल्ड, यानी कि उड़न परी किसे कहा जाता है। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, जल्दी से इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइएगा। तो उड़न परी जो कहा जाता है वो पीटीउषा को कहा जाता है, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो मेरे दोस्त लोग मेरे साथी लोग ऑप्शन नंबर ए बताए हैं उनका एकदम राइट है। अगर आपसे क्वेश्चन इस तरीका से पूछ लिया जाता है कि जननायक किसे कहा जाता है, जननायक किसे कहा जाता है, तो जननायक जो कहा जाता है वो कर्पूरी ठाकुर को कहा जाता है। अगर आपसे पूछ लिया जाता है कि हरियाणा, हरियाणा हरिकेन किसे कहा जाता है, तो हरियाणा हरिकेन जो कहा जाता है वो कपिल देव को कहा जाता है। अगर आपसे पूछ लिया जाता है कि आंध्र केसरी किसे कहा जाता है, तो आंध्र केसरी जो कहा जाता है वो टी पर कासम को कहा जाता है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। तो बढ़ेंगे 9 नंबर क्वेश्चन की ओर। 9 नंबर क्वेश्चन भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है, हाउ लॉन्ग इज द नेशनल एंथम सॉन्ग, यानी कि राष्ट्रगान कितने समय में गाया जाता है, आप लोगों को इसका राइट आंसर बताना है। तो राष्ट्रगान जो गाया जाता है वो 52 सेकंड में गाया जाता है, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो मेरे दोस्त लोग ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी बताया है उनका एकदम राइट है। अगर आपसे क्वेश्चन इस तरीका से पूछ लिया जाता है कि राष्ट्रगान के रचयिता कौन है, तो राष्ट्रगान के रचयिता जो है वो रविंद्रनाथ, कौन, रविंद्रनाथ टैगोर है, इसको ध्यान में रखिएगा। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि वंदे मातरम किसके द्वारा लिखा गया है, तो वंदे मातरम जो लिखा गया है वो बंकिम चंद्र, किसके द्वारा, बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया है। अगर आपसे पूछा जाता है कि वंदे मातरम गाने में कितना समय लगता है, तो वंदे मातरम गाने में जो लगता है वो 65 सेकंड लगता है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। तो बढ़ेंगे 10 नंबर क्वेश्चन की ओर। 10 नंबर क्वेश्चन पूछा है, इन विच डिवीजन डू सीजनल इवेंट्स ऑक्यूर, यानी कि मौसमी घटनाएं किस मंडल में घटित होती है, आप लोगों को इसका राइट आंसर बताना है। तो मौसमी घटनाएं जो घटित होता है वो कौन से मंडल में होता है, तो क्षोभ मंडल में होता है, यानी कि मेरे साथी लोग ऑप्शन नंबर जो ए बताए हो उनका बिल्कुल राइट है। अगर आपसे क्वेश्चन इस तरीका से पूछ लिया जाता है कि रेडियो तरंगे का मतलब कि प्रसारण किस में होता है, तो रेडियो तरंगे का प्रसारण जो होता है वो आयान मंडल में होता है। अगर आपसे क्वेश्चन इस तरीका से पूछ लिया जाता है कि वायुयान किस में उड़ता है, तो वायुयान जो उड़ता है वो समताप मंडल में उड़ता है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। तो बढ़ेंगे 11 नंबर क्वेश्चन की ओर। 11 नंबर क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन पूछा है, हु वाज द फाउंडर ऑफ लोदी डायनेस्टी, यानी कि लोदी वंश का संस्थापक कौन था, आप लोगों को इसका राइट आंसर बताना है। जल्दी से इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइएगा। तो लोदी वंश का संस्थापक जो होता है वो बहलोल लोदी होता है, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो मेरे साथी लोग मेरे दोस्त लोग ऑप्शन नंबर ए बताए हैं उनका एकदम राइट है। अगर आपसे क्वेश्चन इस तरीका से पूछ लिया जाता है कि तुगलक वंश का संस्थापक कौन था, तो तुगलक वंश का संस्थापक जो था वो गयासुद्दीन तुगलक था। अगर आपसे क्वेश्चन इस तरीका से पूछ लिया जाता है कि सैयद वंश का संस्थापक कौन था, तो सैयद वंश का संस्थापक जो था वो खिजका था। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि गुलाम वंश का संस्थापक कौन था, तो गुलाम वंश का संस्थापक जो था वो कुतुबुद्दीन ऐबक था, इसको भी ध्यान में रखिएगा। तो बढ़ेंगे 12 नंबर क्वेश्चन की ओर। 12 नंबर क्वेश्चन पूछा है, वेयर इज द कैपिटल ऑफ असम, यानी कि असम की राजधानी कहां है। क्वेश्चन बहुत आसान है, जल्दी से बताइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो असम की राजधानी जो मेरे साथी लोग ऑप्शन नंबर सी यानी कि दिसपुर बताया है उनका बिल्कुल राइट है। अगर आपसे क्वेश्चन इस तरीका से पूछ लिया जाता है कि झारखंड की राजधानी कहां है, तो झारखंड की राजधानी जो होता है वो रांची में होता है। अगर आपसे पूछ लिया जाता है कि नागालैंड की राजधानी कहां होता है, तो नागालैंड की राजधानी जो होता है वो कोहिमा में होता है, और पश्चिम बंगाल की राजधानी जो होता है वो कोलकाता में होता है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। तो बढ़ेंगे 13 नंबर क्वेश्चन की ओर। 13 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है, ऑन विच रिवर इज आगरा सिचुएटेड, यानी कि आगरा शहर जो है वो किस नदी के तट पर स्थित है, आप लोगों को इसका राइट आंसर बताना है। क्वेश्चन अच्छा है, जल्दी से बताइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो आगरा जो स्थित होता है वो यमुना नदी के तट पर स्थित होता है, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा। अगर आपसे क्वेश्चन इस तरीका से पूछ लिया जाता है कि हीराकुंड बांध जो है वो किस नदी पर है, तो हीराकुंड बांध जो स्थित होता है वो महानदी पर होता है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ जाता है कि पटना किस नदी पर स्थित है, तो पटना जो स्थित होता है वो गंगा के नदी पर स्थित होता है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। और अयोध्या जो होता है, अयोध्या
जो होता है वो सरयू नदी के तट पर स्थित होता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन था, ध्यान में रख लीजिएगा। तो बढ़ेंगे 14 नंबर क्वेश्चन की ओर। 14 नंबर क्वेश्चन बोलने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो मेरे दोस्त जल्दी से वीडियो को लाइक कर देना। हम आप लोग के लिए कितनी मेहनत करते हैं, बिल्कुल फ्री में पीडीएफ प्रोवाइड करा रहे हैं, तो प्लीज वीडियो को जल्दी से लाइक कर देना और दोस्तों के पास शेयर करना ना भूलना मेरे भाई, क्योंकि वही आपका भरोसा है मुझ पर। आप लोग दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना, बस वही आपसे चाहिए मेरे दोस्त। वीडियो को लाइक करिए और दोस्तों के साथ शेयर करिए, मैं आप लोगों को बहुत कुछ देने वाला हूं यार, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। तो 14 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है, हु इज कॉल्ड देश रत्न, यानी कि देश रत्न किसे कहा जाता है आप लोगों को बताना है। तो देश रत्न जो कहा जाता है वो राजेंद्र प्रसाद को कहा जाता है, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो मेरे साथी लोग ऑप्शन नंबर बी बताए हो उनका बिल्कुल राइट है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि भारत का बिस्मार्क किसे कहा जाता है, तो भारत का बिस्मार्क जो कहा जाता है वो सरदार पटेल को कहा जाता है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। तो बढ़ेंगे 15 नंबर क्वेश्चन की ओर। 15 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है, व्हाट आर द नेशनल और स्पोर्ट्स ऑफ इंडिया, क्वेश्चन आसान है, ध्यान से पढ़िएगा और इसका राइट आंसर बताइएगा। पूछा है कि भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है, आप लोगों को जल्दी से बताना है। तो भारत का राष्ट्रीय खेल जो होता है वो हॉकी होता है, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा। अगर आपसे क्वेश्चन इस तरीका से पूछ लिया जाता है कि रूस का क्या होता है, तो रूस का राष्ट्रीय खेल जो होता है वो शतरंज होता है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि मलेशिया का राष्ट्रीय खेल क्या होता है, तो मलेशिया का राष्ट्रीय खेल जो होता है वो बैडमिंटन होता है। अगर आपसे पूछ लिया जाएगा कि चीन की मतलब कि चीन का राष्ट्रीय खेल क्या होता है, तो चीन का राष्ट्रीय खेल जो होता है वो टेबल टेनिस होता है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। तो इसी के साथ आप लोगों का जनरल नॉलेज का प्रश्न समाप्त हुआ। अब बढ़ेंगे जनरल साइंस की तरफ। तो जनरल साइंस का 16 नंबर का क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है, व्हाट इज द मेन फ्यूचर ऑफ बायोगैस, यानी कि बायोगैस में मुख्यतः क्या होता है आप लोगों को इसका राइट आंसर बताना है। क्वेश्चन अच्छा है, जल्दी से बताइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो बायोगैस में जो होता है वो मीथेन होता है, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो मेरे दोस्त लोग ऑप्शन नंबर ए बताए हैं उनका एकदम राइट है। तो बढ़ेंगे 17 नंबर क्वेश्चन की ओर। 17 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है, व्हाट डिजीज आर कॉज्ड बाय विटामिन डी डिफिशिएंसी, यानी कि विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है आप लोगों को इसका राइट आंसर बताना है। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, जल्दी से इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइएगा। विटामिन डी की कमी से जो होता है वो रिकेट्स रोग होता है, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो मेरे साथी लोग ऑप्शन नंबर बी बताए हैं उनका एकदम राइट है। अगर आपसे पूछ लिया जाता है कि विटामिन डी किससे प्राप्त होता है, तो विटामिन डी जो होता है वो सूर्य के प्रकाश से पाया जाता है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। अगर आपसे क्वेश्चन इस तरीका से पूछ लिया जाता है कि विटामिन बी से कौन सा बीमारी होता है, तो विटामिन डी से जो होता है वो बेरी बेरी होता है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। तो बढ़ेंगे 18 नंबर क्वेश्चन की ओर। 18 नंबर क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है, व्हाट टाइप ऑफ एसिड इज फाउंड इन योगर्ट, यानी कि दही में किस प्रकार का अम्ल पाया जाता है आप लोगों को जल्दी से बताइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो दही में जो पाया जाता है वो लैक्टिक अम्ल पाया जाता है, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा। तो बढ़ेंगे 19 नंबर क्वेश्चन की ओर। 19 नंबर क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन पूछा है, व्हिच कार्बन इज हार्डर टू फॉर्म, यानी कि कार्बन का कौन सा अपरूप अधिक कठोर होता है, जल्दी से बताइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन ए में है ग्रेफाइट, ऑप्शन बी हीरा, ऑप्शन सी कोयला या डी काजल, जल्दी से इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइएगा। तो कार्बन का एक अपरूप जो होता है वो अधिक कठोर जो होता है वो हीरा होता है, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो मेरे साथी ऑप्शन बी बताए हैं उनका एकदम राइट है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि पेंसिल में कौन सा मतलब कि इस्तेमाल किया जाता है, तो पेंसिल में जो इस्तेमाल किया जाता है वो ग्रेफाइट इस्तेमाल किया जाता है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। तो बढ़ेंगे 20 नंबर क्वेश्चन की ओर। 20 नंबर क्वेश्चन पूछा है, डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था आप लोगों को बताना है। तो डायनामाइट का आविष्कार जो किया गया था वो अल्फ्रेड नोबेल के द्वारा किया गया था, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा। अगर आपसे पूछ लिया जाता है कि ऑक्सीजन की खोज किसने की थी, तो ऑक्सीजन का खोज जो किया गया था वो जोसेफ प्रीस्टले द्वारा किया गया था। अगर आपसे क्वेश्चन इस तरीका से पूछ दिया जाता है कि परमाणु की खोज किसने की, तो परमाणु की खोज जो किया गया था वो रदरफोर्ड के द्वारा किया गया था। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि अल्फा बीटा गामा किरण की खोज किसने की थी, तो अल्फा बीटा गामा किरण का खोज भी जो किया था वो रदरफोर्ड ने ही किया था। तो बढ़ेंगे 21 नंबर क्वेश्चन की ओर। 21 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है, व्हाट इज द सेंटर ऑफ इंटेलिजेंट एंड क्लेवरनेस इन ह्यूमन, यानी कि मनुष्य में बुद्धि और चतुराई का केंद्र कौन है आप लोगों को बताना है। ऑप्शन 4 आपके सामने है, जल्दी से चारों ऑप्शन को पढ़िए और इसका राइट आंसर बताइएगा। तो मनुष्य में बुद्धि और चतुराई का केंद्र जो होता है वो सेरिब्रम होता है, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा। तो बढ़ेंगे 22 नंबर क्वेश्चन की ओर। 22 नंबर क्वेश्चन पूछा है, व्हाट इज अ प्रोटीन फैक्ट्री कॉल्ड, यानी कि प्रोटीन का फैक्ट्री किसे कहा जाता है आप लोगों को बताना है। तो प्रोटीन का फैक्ट्री जो कहा जाता है वो राइबोसोम को कहा जाता है, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो मेरे साथी लोग ऑप्शन नंबर बी बताए हैं उनका एकदम राइट है। अगर आपसे क्वेश्चन इस तरीका से पूछ लिया जाता है कि कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है, तो कोशिका का पावर हाउस
हाउस जो कहा जाता है वो माइक्रोकांड्रिया को कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है, तो आत्महत्या की थैली जो कहा जाता है वो लाइसोसोम को कहा जाता है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। तो बढ़ेंगे 23 नंबर क्वेश्चन की ओर। 23 नंबर क्वेश्चन पूछा है, व्हाट इज द प्योरिटी ऑफ गोल्ड मेजर्ड इन, यानी कि सोने की शुद्धता किसमें नापी जाती है, आप लोगों को बताना है। तो सोने की शुद्धता जो नापा जाता है वो कैरेट में नापा जाता है, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा। तो बढ़ेंगे 24 नंबर क्वेश्चन की ओर। 24 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है, व्हाट इज द स्पीड ऑफ एन एयरक्राफ्ट मेजर्ड इन, यानी कि वायुयान की गति किसमें मापा जाता है। ध्यान से क्वेश्चन को समझिएगा, वायुयान की गति पूछा गया है, जल्दी से इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइएगा। तो वायुयान की गति जो नापा जाता है वो टेकोमीटर से नापा जाता है, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो मेरे साथी लोग ऑप्शन नंबर डी बताए हैं उनका एकदम राइट है। अगर आपसे पूछ लिया जाता है कि दूध की शुद्धता किससे नापा जाता है, तो दूध की शुद्धता जो नापा जाता है वो लैक्टोमीटर से नापा जाता है। अगर आपसे पूछ लिया जाता है कि ऊंचाई मापने वाला यंत्र कौन है, यानी कि वायुयान की ऊंचाई कौन मापता है, तो वायुयान की ऊंचाई जो मापता है वो अल्टीमीटर नापता है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। तो बढ़ेंगे आज के लास्ट क्वेश्चन की ओर। लास्ट क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन पूछा है, व्हाट डिजीज डज अ रैट बाइट कॉज, यानी कि चूहे के काटने से कौन सी बीमारी होती है, आप लोगों को इसका राइट आंसर बताना है। तो जल्दी से इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइएगा, इसका राइट आंसर क्या होगा। तो चूहे के काटने से जो बीमारी होता है वो प्लेग होता है, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा। अगर आपसे क्वेश्चन इस तरीका से पूछा जाता है कि कुत्ते के काटने से कौन सी बीमारी होती है, तो कुत्ते के काटने से जो बीमारी होता है वो रेबीज बीमारी होता है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि मक्खिया से कौन सी बीमारी होती है, तो मक्खी से जो होता है वो हैजा बीमारी होता है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि मादा एनोफिलीज मच्छर से कौन सा बीमारी होता है, तो मादा एनोफिलीज मच्छर काटने से जो होता है वो मलेरिया रोग होता है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। तो हो गया आप लोगों का 25 क्वेश्चन का एक मॉक टेस्ट पेपर। आप लोगों को बताना है पूरा ईमानदारी के साथ कि आपका इस मॉक टेस्ट पेपर में कितना सही हो रहा है। आपको एक लास्ट में क्वेश्चन भी पूछा जाएगा, जिसको कमेंट बॉक्स में आप लोगों को आंसर बताना है। तो आप लोगों से पूछा गया है, द एरिया ऑफ अ स्क्वायर फार्म इज 3600 स्क्वायर मीटर, मेजर द साइज ऑफ वन आर्म, यानी कि एक वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल जो दिया है वो 3600 वर्ग मीटर है, तो इसकी भुजा का माप बताना है आप लोगों को। इसका राइट आंसर देना है वो कमेंट बॉक्स में आप लोगों को इसका राइट आंसर बताना है। तो उम्मीद करता हूं आज का क्लास एकदम शानदार क्वालिटी दर मजेदार लगा हुआ। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना और दोस्तों के पास शेयर कर देना। हर रोज क्लास पढ़ना है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।